Assalam-u-Alikum, welcome to my channel, The Woman's Life. आज मैं आपको प्रेगनेंसी के सबसे कॉमन इशू मिसकैरेज के बारे में कंप्लीट डिटेल दूंगी, कैरेज के सिम्टम्स, टाइप, कॉजेस और प्रिवेंशन कि हम किस तरीके से इससे सेफ रह सकते हैं, ये सब बताऊंगी। वीडियो एंड तक देखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टॉपिक की बात करें तो मिसकैरेज के चांसेस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होते हैं, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिसकैरेज के कुछ सिम्टम हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। फर्स्ट सिम्टम इसका वजाइनल ब्लीडिंग है। लाइट और हैवी वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। इस ब्लीडिंग के साथ आपको पीरियड्स की तरह क्रैम्प भी फील हो सकते हैं। सेकेंड, आपको एब्डोमिनल और बैक पेन भी फील हो सकता है। ये पेन माइल्ड और सिवियर भी हो सकता है। इसके अलावा आपको पिंकिश और ब्राउनिश डिस्चार्ज भी हो सकता है। और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस, नौजिया, वॉमिटिंग, ये सब सिम्टम्स भी ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स फील हो तो प्लीज़ डॉक्टर से कांटेक्ट करें। इसके अलावा मिसकैरेज की कुछ टाइप्स भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। फर्स्ट है थ्रेटन मिसकैरेज। इस टाइप में आपको लाइट वजाइनल ब्लीडिंग और लोअर एब्डोमिनल पेन फील हो सकता है। ये कुछ दिनों या हफ्तों तक रह सकता है। हो सकता है कि पेन और ब्लीडिंग ख़त्म हो जाए और प्रेगनेंसी आगे बढ़े। सिचुएशन में डॉक्टर कंप्लीट बेड रेस्ट सजेस्ट करती हैं। सेकंड है इन्वर्टिबल मिसकैरेज। टाइप में आपको ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है स्ट्रॉन्ग पेन्स के साथ, विक्स ओपन हो जाता है और ब्लीडिंग के साथ फीटस के टिश्यूज़ भी रिलीज होते हैं। थर्ड है कंप्लीट मिसकैरेज। इस टाइप में प्रेगनेंसी के सारे टिश्यूज़ यूट्रस से बाहर आ जाते हैं, ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है सेवरल डेज के लिए। के साथ साथ आपको स्ट्रॉन्ग पीरियड्स पेन भी फील हो सकता है। फोर्थ है इनकम्प्लीट मिसकैरेज। में यूट्रस में कुछ प्रेगनेंसी टिश्यूज़ रह जाते हैं, लोअर एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग भी जारी रहती है। नेक्स्ट है मिस्ड मिसकैरेज। इस टाइप में बेबी डाइड होने के बावजूद यूट्रस में ही रहता है। इस सिचुएशन में आपको ब्राउनिश डिस्चार्ज हो सकता है। प्रेगनेंसी के सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं और कभी आपको कुछ पता भी नहीं चल पाता। मिसकैरेज के कॉजेज या वजह की बात करें तो मिसकैरेज के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं जो मैं आपको बताती हूँ। जेनेटिक एंड क्रोमोसोम्स, ये मिसकैरेज का सबसे ज़्यादा कॉमन इशू है। इस इशू में मदर और फादर के सेल से एम्ब्रियो डेवलप सही तरीके से नहीं हो पाता, वजह से अर्ली स्टेज में ही मिसकैरेज हो जाता है। इसके अलावा वुमेन की एज भी मिसकैरेज का कॉज हो सकती है। वो वुमेंस जिनकी एज 35 से कम है उनके मिसकैरेजेस के चांसेस कम होते हैं। जिन वुमेंस की एज 35 से ज़्यादा होती है उनके मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थर्ड, पुअर डाइट, विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ पाती। फोर्थ, हेल्थ इश्यूज़ जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, किडनी प्रॉब्लम्स, इन सब की वजह से भी प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाती। फिफ्थ है अंडर और ओवरवेट, वेट का बहुत ज़्यादा कम होना या ज़्यादा होना भी मिसकैरेज का कॉज हो सकता है। सिक्स्थ है यूट्रस का शेप, यूट्रस का शेप नॉर्मल से डिफरेंट हो तो भी मिसकैरेज की वजह बन सकता है। सेवन्थ है एबनॉर्मल प्लेसेंटा डेवलपमेंट, प्लेसेंटा की डेवलपमेंट अच्छे से ना हो तो ये भी मिसकैरेज का बायस बन सकता है। एट है वीक सर्विक्स, सर्विक्स वीक हो तो प्रेगनेंसी के शुरू में ही डायलेट होने लगती है जो मिसकैरेज का बायस बनती है। ये तो थे मिसकैरेज के कॉजेज जो मैंने आप लोगों को बताए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम किस तरीके से अपनी प्रेगनेंसी को मिसकैरेज से सेफ रख सकते हैं। नंबर वन, मेंटेन अ हेल्दी डाइट, डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल रखें। सेकेंड, प्रीनेटल विटामिन लाइक फॉलिक एसिड, ये कंसीव करने में भी हेल्प करता है, अर्ली मिसकैरेज से भी सेफ रखता है। थर्ड, कैफीन और शुगर इंटेक बहुत कम रखें। फोर्थ, मेंटेन अ हेल्दी वेट,
बिफोर और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, स्ट्रेस फ्री रहें, अपने इर्द गिर्द का माहौल अच्छा रखें। स्ट्रेस फ्री रहने से भी मिसकैरेजेस के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के स्टार्ट से ही डॉक्टर से चेकअप करवाती रहें। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।